दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। मणिकरण घाटी के ग्राम पंचायत छिंजरा में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन छिंजरा का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कुल्लू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हिंद सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत कुलवे परंपरा के अनुसार किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्वती घाटी में इस सामुदायिक भवन के बन जाने से घाटी के समस्त लोगों को लाभ होगा और सामुदायिक कार्यों के लिए उन्हें अपने ही क्षेत्र में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो पाएगा। सुविधा के लिए एक ऐसा केंद्र हो, एक भवन के नीचे सारे कार्यक्रम किए जाए, जो कि इनकी आज दौलत जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इनका फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। गांव में सड़कों बनाने के लिए, उठाई सिंचाई योजना के लिए, पेयजल योजना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण समय दिया। आपको वो दिन याद होगा जब आपदा का दिन था, पूरा कुल्लू तहस नहस हो चुका था। हमें विश्वास ही नहीं था कि हम ना जाने कितने समय तक द्वारा अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम आमदनी का साधन कैसे ढूंढेंगे। परंतु हमारे लोकप्रिय, हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखू जी के सौजन्य से, हमारे सीपीओ श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने हर घाटी में दिन रात एक करके दौरे किए, जिसमें कुल्लू प्रशासन का, सभी विभागों का इनका सहयोग रहा। सबके सहयोग से कुल्लू जिले में जो हमारा आपदा में नुकसान हुआ था, उसको आगे बढ़ने के लिए इन्होंने एक नई ऊर्जा प्रदान की। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कल ये जब सुबह दुखद ये समाचार मिला कि हमारे बहन स्वरूप डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री, जिनसे कि मेरा यूनिवर्सिटी से लेकर हम इकट्ठे पढ़ते थे, और भाई मुकेश जी कुल्लू में ही पढ़े हैं, और वो उनसे भी बचपन का जो जान पहचान है, और हम बड़े साथ साथ आगे बढ़े हैं। परसों मुझे उनका फोन आया कि उनके घर में कल बहुत बड़ा जगराता था। मुझे फोन आया परसों, और मैंने बोला जी मेरा तो ये है कि आज यहाँ पे छिंचरा में कार्यक्रम है, कल कुल्लू में कुछ और कार्यक्रम है। मैंने बोला भाई साहब, माता का जगराता आप करिए, आशीर्वाद आपको देवभूमि में, आप कुल्लू आओ, क्योंकि कुल्लू में, वो मेरे को बता रहे थे कि हमने बोला मेरे विभाग में कुल्लू के लिए 200 करोड़ की स्कीमें सैंक्शन हुई, IPH में, ड्रेजिंग में। ड्रेजिंग क्या होता है? जिसमें कि ये बुंतर से लेकर कुल्लू तक नदी के किनारे तटीयकरण होना है, मणिकरण में तटीयकरण होना है, और उसमें वो कह रहे थे हिमाचल के लिए 200 करोड़ सैंक्शन हो गया। सुंदर भाई, मैं जब पूरा पढ़ रहा था, 84 करोड़ तो आपके कुल्लू को ही चले गया। बोला आपने कैसे किया ये? मैंने बोला भाई साहब आपका आशीर्वाद है। बोला नहीं, मेरा आशीर्वाद बाद में, मेरे को बताते हैं कैसे किया। मैंने बोला जी मैंने अपने एक्सीन को एक एक हफ्ता शिमला बैठाए रखा, जब तक कि मेरी एक एक प्रपोजल, और मैं बाढ़ आने के बाद प्रपोजल नहीं बना रहा हूं, ये मिटिगेशन का जो पैसा है, इसको मैंने पिछले मार्च महीने के बाद, जैसे मैं मुख्य संसदीय सचिव बना, मुझको मालूम था कि हमारे मणिकरण में नुकसान हो रहा है, कसोल में नुकसान हो रहा है, शाट में नुकसान हो रहा है, कुल्लू सरबरी नदी में हो रहा है, खोखण नाले में हो रहा है, बुंतर संगम पे हो रहा है, वहां पे भूतनाथ पुल पे हो रहा है, बार बार इन पुलों को नुकसान जो पहुंच रहा है, ये तटीयकरण नहीं होने की वजह से। और मैं आज जब उनसे, मतलब परसों में डिस्कस कर रहा था, बोला यार अब इतना पैसा आप ले गए हैं, आपने बहुत तेजी दिखाई है, और बोलता अगली जो मीटिंग है 12 तारीख को, उसमें भी लगभग 40 करोड़ की आपकी कुल्लू की स्कीमें हैं, जो फिर सैंक्शन हो जाएगी। मैंने बोला भाई साहब ठीक है, 120 करोड़ के लगभग अगर ये स्कीमें मेरी कुल्लू के लिए सैंक्शन होती है, मुझे खुशी है,
मैं बधाई देना चाहता हूं अपने अफसरों की टीम को, प्रशासन को बधाई देता हूं, उपायुक्त को देता हूं, पूरे जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग से लेकर हमारे आईपीएच विभाग के से लेकर जो जिन्होंने दिन रात जब मैंने उन्हें आदेश दिए, जब हमारा आदेश उनको मिला, दिन रात एक करते हुए फ्लड से पहले से हमने तैयारियां कर दी कि हमने मणिकर्ण को कैसे बचाना है, हमने कसौल को कैसे बचाना है, शाट को किनारे को कैसे बचाना है, बुंतुर को कैसे बचाना है और कुल्लू को कैसे बचाना है। अपने विधानसभा के लिए मैंने जो है तैयारियां कर दी थी और पिछले कल जब मुझे ये कार्यक्रम दुर्भाग्यपूर्ण कैंसिल करना पड़ा, लेकिन आज है कि हमने छिंजरा में मणिकर्ण घाटी की विकास की नींव डाल दी है। ये मंजिल, ये पहली मंजिल है जो 70 लाख में बनी है, इसकी अगली मंजिल इस भवन में करोड़ों रुपए खर्च होगा। पुराने वक्त में ये कहते थे सभी, मैं तो मुझे याद है कि बोलते जी जगह है नहीं थी मणिकर्ण। सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।